नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, कक्षा पाँच के जो RBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं जो है पाठों की वीडियो बनाते रहता हूं लगातार। हिंदी की जो है मैंने 5 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया। अगर आप में से कोई नहीं देख पाया है तो इस वीडियो के आई बटन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको आराम से देख पाओगे। तो दोस्तों, आज जो है हम पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे और पाठ पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं या उनके पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो मिले रहेंगे। और पास में एक घंटे का निशान होता है, उसको दबाने से आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती है। देखिए दोस्तों, आज के जो हमारा पाठ है इस पाठ का नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन, यानी अगर आपका स्वस्थ तन होगा तो आपका जीवन भी सुखी होगा, ये बात आप सब मानते हैं। चलिए पाठ पढ़ते हैं। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठकर बच्चों को पुकारते। आप जानते हैं कि अमूमन जो है बुज़ुर्ग लोग हैं, दादाजी लोग हैं, वो घर में चौक जो होता है बाहर कमरे के बाहर या कहीं पर भी चौक होता है वहाँ पर मुड्ढा या कुर्सी पर बैठते रहते हैं और जो छोटे बच्चे उनको पुकार रहे हैं, तो वो पुकार रहे हैं, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल गेम में पबजी ये जो है उनको बहुत आदत लगी है, तो वो बैठे बैठे मोबाइल गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा उन्हें उनके बीच जाकर कहा, सुषमा जो उन बच्चों की माँ है वो जाकर उनके बीच जाकर कहती है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो, दो बात काम की सीखोगे, यानी कहा कि तुम्हें इन मोबाइल गेम से क्या मिलेगा, बाहर दादाजी के पास बैठो दो काम बात सीखोगे। तोसी बिट्टू हनी तीनों चलो बाहर, तीनों बच्चों को नाम कहती है कि तीनों बाहर चलो। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हैं, दादाजी की हर बात पता की है, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बात समझाई थी, तोसी ने कहा, यानी उसने कहा कि दादाजी हर बात कहते हैं वो पत्ते ही कहते हैं, कल भी कहानियों में बहुत अच्छी बात आई है, तोसी कहती है। फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर, यानी तीनों बच्चे जो है दादाजी के पास आकर बैठते हैं। वे बैठे तो किराएदार की दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर, यानी उनके घर में कोई किराएदार रहते थे, उनके बच्चे थे तो उनका नाम था खुशी और अनु, वो भी पास आठ कर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे, यानी उनके हाथ साफ नहीं थे और पाँव भी गंदे थे। उनको देखते दादाजी के वो ही इनक के फेरे से बाहर आते हैं, ऐसे बूढ़े देखते ना भयानक के बाहर से ऐसे देखने लगे। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई, गंदगी बीमारी लाती सफाई हमें से, यानी उनको कहने लगे कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई, गंदगी बीमारी लाती सफाई हमें बचाती। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आगे बैठ गए, यानी वो भी हाथ पांव धोकर बैठ गए। दादाजी ने शाबाशी दी, बोले साफ सफाई रखो भाई, यानी हमेशा साफ सफाई रखो, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना, यानी अगर आपकी तबीयत अच्छी रखनी है तो आपको स्वच्छ रहना होगा, वातावरण को भी साफ सुथरा रखना होगा। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ, यानी अगर हम हेल्थी होंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, आपको जाता है हंसने हंसाने का मन करते हैं और हम हंसते हंसते रहते हैं, रात को हमें नींद भी अच्छी आती है, सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम हम फटाफट करते हैं और आलस से हमारे पास व्यक्ति नहीं फटकता है। हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला कि खाना क्या शौकीन था, बिट्टू वो बोला दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती, चिड़चिड़े हो जाते हैं दादाजी गहरे तो बस, हम अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो तो न तो खाना पीना अच्छा लगता है, न भूख आती नींद आती, चिड़चिड़े हो जाते हैं उदासी गहरे थे, दिन भर उबासी मारते रहते हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखना है, यानी सबसे पहले हमें अपना शरीर साफ करना चाहिए, काम करने दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीने में धूल के कण जम जाते हैं, इससे त्वचा इसी तरह बंद हो जाती है, यानी त्वचा इसी तरह बंद हो जाते हैं। वो दादाजी छी छी पसीना था बदबू मारता है, बोला यानी कि दादाजी पसीना बहुत गंदा होता है। हाँ बेटी इसलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए, यानी हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए, मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ करना, यानी मोटा जो कपड़ा होता है उसे रगड़ के साफ करना चाहिए। हाँ और सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत भी साफ करना चाहिए, हफ्ते में दो बार नाखून काटने चाहिए, सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए, ये सारी बातें सफाई के बता रहे हैं दादाजी। जी दादाजी सभी बच्चे एक साथ बोले, दादाजी एक बोले शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ करने चाहिए, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हमें बिना धुले कपड़े नहीं रखने चाहिए, हमें घर भी साफ सुथरा रहना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू इस पर तो तुमने बहुत अच्छी तरह अमल कर रखा है, यानी तुमने बहुत अच्छी तरह बात मान रखा, सुबह उठते झाड़ू करते तुम फ्रेश हो, दीवारों पर घूमने जमना देते, बच्चों को तो पता होना चाहिए गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है, सफाई नहीं होने पर नाले में कितने वहाँ पर कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने कहा, यह भी कहा कि खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, धूप से हमें क्या है विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ही, हम जो पानी पीते हैं वो भी शुद्ध पानी को छान कर पीना चाहिए, पानी ऐसी कोई जिसकी रोजाना सफाई रखते हैं। हाँ उसने कहा कि हमें डेली पानी भी क्या है छान कर पीना चाहिए। तो उसी बोले, हमें गुरुजी ने बताया गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं, तो उसने कहा कि हमें गुरुजी ने बताया कि गंदा पानी से हम बीमार पड़ जाते हैं, सही बताया तुम्हें,
हमें बहुत सी बीमारियाँ शुद्ध पानी पीने से होती है, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। बातें हो गई खाने लगा दो, उसमें यानी कि बहुत बात है कि खाने लगा दो। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध होता है तो पौष्टिक होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए। खुली हवा में जितनी भी मक्खियाँ भिड़ रहती है कभी नहीं खानी चाहिए, उन पर जो कभी जिन चीज़ों पर खाने वो नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। खुली चीज़ों में फल से पहले काटे गए फलों को खाने से बीमार रहते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। विटामिन मिनरल डी वर्मिंग की गोलियाँ, आयरन की गोलियाँ लेनी चाहिए, जिससे स्वस्थ रहे। दादाजी कहते हैं कहते कि खाना लगाता तो उन्होंने बताया कि अच्छी तबीयत, हमें कसरत करनी चाहिए, रोज़ खेलना चाहिए, जैसे शारीरिक व्यायाम हो, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस। तभी दादी जी भी टहलते रहे, बोल कर सुने कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना स्वच्छ अच्छे की निशानी है, ना चिड़े ना गुस्सा करें ना ही चिंता करें, धीरज और प्रसन्नता दिखाए, कहो कहा है ना, हंसो हंसा और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो दोस्तों ये था आज हमारे पास जो हमने हंसते हंसाते पूरा कर लिया। अब हम प्रश्न की तरफ थे, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। सुषमा ने उनके बीच में जाकर क्या उन्होंने कहा कि अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, जाओ दादाजी के पास बैठो, दो काम की बात सीखोगे, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे, क्योंकि अगर हमारा तन सुखी होगा तो हम स्वस्थ जीवन अच्छी प्रकार से। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाइयाँ, स्वस्थ और स्वस्थ जीवन पाओ। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी थी जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए, तंदुरुस्त होता हमें सब कुछ अच्छा लगता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी दादाजी ने। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? चौक पर मुड्डे पर। अरे क्या मिल जाए तुम्हें इन खेलों से, ये बात किसने किससे कही? सुषमा ने बच्चों से। किराए के बच्चों का नाम खुशी, अनु। दादाजी की बोई यानी कि बारे से बाहर तक क्यों आई और कब आई? यानी जब खुशी और अनु जो है किराए के बच्चे, वो हाथ पांव गंदे से, उनको देखकर उनकी आंखों से बुआ रहा है। उन पंक्तियों लगाने जिनमें साफ सफाई होती है, जितनी भी पंक्तियाँ इसमें साफ सफाई है उन सब के बारे में बताना है। आपके विद्यालय में कौन सी गोली देनी है, आपके विद्यालय में जो भी गोली देनी चाहिए उनके बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों? तो ये दोस्तों आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार की आप पाठ संबंधी वीडियो और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।